हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ सांभर रेसिपी, जिसे हम चावल, डोसा या इडली के साथ सर्व कर सकते हैं। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आधा कप तुअर दाल को 2 से 3 बार साफ पानी में हम धो लेंगे। दाल को प्रेशर कुकर में डालकर 1.5 कप पानी डाल देंगे। आधा बड़ा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच हल्दी डालकर बंद कर देंगे। 3 से 4 सीटी आने तक लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। अब एक कढ़ाई में 4 छोटे चम्मच तेल गर्म करेंगे। फिर इसमें 1 छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 2 से 3 लाल सूखी मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। यहाँ मैंने छोटे प्याज डाले हैं, आप चाहें तो बड़े प्याज को बारीक काट कर डाल सकते हैं। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और प्याज को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब मैं यहाँ पर करी लीव्स डाल रही हूँ। हमारी प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। इसे सॉफ्ट होने में करीब 3 से 4 मिनट का समय लगा है। हम इसमें 1/2 कप कटी हुई लौकी, 1/4 कप गाजर और 1/4 कप मूली, 1/2 कप बैंगन और कुछ ड्रम स्टिक्स डालेंगे। आप इसमें अपने पसंद की कोई भी सब्जी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। नमक हमने दाल में भी ऐड किया है तो यहाँ पर मैं कम नमक यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। अब हम इसमें 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स करेंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे। 5 मिनट के बाद इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे और फिर से इसे कवर कर देंगे और वेजिटेबल को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। हमारे वेजी सॉफ्ट हो चुकी हैं। सब्जियां अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब हम इसमें 1/2 कप बारीक कटा टमाटर, 1 बड़ा चम्मच इमली का पल्प डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर से कवर करके 6 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। 8 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए, सभी सब्जियां पक गई हैं और टमाटर भी अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 बड़ा चम्मच सांभर पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी और डालकर सांभर को पतला कर सकते हैं। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर ऐड करेंगे। अब हम सांभर को मीडियम से लो फ्लेम पर बॉईल आने तक पकाएंगे। पांच से छह मिनट के बाद सांभर में बॉईल आने लगेगा। सांभर में बॉईल आने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। हमारा सांभर रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और मुझे अपना फीडबैक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इसी तरह की और भी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।